Hello friends, we are back with episode 4. I must say that it's really overwhelming to know that many of you are watching the videos. Alright, so today we are going to look at how the basic sargams and exercises are practiced on sarangi. Like always, first of all, we will ensure that we will seat it in a comfortable and erect position. And I hope so that you have been doing practice of your left hand fingers. First exercise that we are going to do is sa sa re re ga ga ma ma pa pa dha dha ni ni sa sa. हमने लास्ट एपिसोड में सरगम करी थी सारे गामा पाधा नी सा सानी धापा मगरे सा. सो हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं आज. एंड हम आज इस एक्सरसाइज में हमें एक नोट को, एक सुर को दो बार बजाना है गस से. सा सा रे रे सरगम में हमने एक ही बार ही बजाया था, बट इस एक्सरसाइज में हमें दो बार बजाना है एक नोट को. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू यूज बो इन अ कट टू कट मैनर. लाइक दिस स्पीड इज गोइंग टू बी मिनिमल वाइल फोकस ऑन द फिंगर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. हमें गज को कट टू कट ही चलाना है इस तरीके से. थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं. कुछ टाइम के बाद जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा. गस का मूवमेंट भी इस तरीके से रहेगा. सा सा रे रे का गा मा मा पा धा धा नी नी सा गा. ओके, दैट वाज अ गुड स्टार्ट आई बिलीव. सो नाउ लेट्स डू अ सेकंड एक्सरसाइज दैट वी आर गोना डू. इट्स गोज लाइक सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी सा नी दा नी दा पा धा पा मा गा मा गा रे सा. मेरे क्यूटिकल्स को, मेरे फिंगर्स को ध्यान से देखिए कि मैं एक्सरसाइज बजाते हुए उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, और सही जगह पे लगाना हमें बहुत ज़रूरी है. आप लोग देख सकते हैं.
लेट अस कम अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, एक बार हम शुरू से बजाएंगे. जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने किस तरीके से जो है गज़ को कट टू कट मैनर में उसको चलाया, और फास्ट टेम्पो में, स्लो टेम्पो में, दोनों में मैंने आपको बजा के दिखाया. जब आप आगे और एक्सरसाइज सीखेंगे तो आप उसको फास्ट भी बजाएंगे तो वो इस तरीके से ही चलेगा, और ये चीज़ आपको उसमें हेल्प करेगी. आई होप दैट यू रिमेंबर वॉट वी लर्न फ्रॉम लास्ट सेशन, एंड दिस इज़ हाउ वी वॉर्म अवर सेल्व्स अप टू द फर्दर टेक्निक्स इन सारंगी. हैव ग्रेट प्रैक्टिस सेशंस, टेक केयर. And we will see each other after some time, I mean pretty soon. Take care, bye-bye.